सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको आरजीएस टूल को यूज करने के सीक्रेट फीचर्स बताता हूँ। भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे कोड डायल करता हूँ और गाइस यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आरजीएस टूल में आके कोड डायल करता हूँ और कोड डायल करने के बाद गाइस मेरे फोन का कलर चेंज हो जाता है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अभी मैं आपको ना डायल करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सीक्रेट कोड डायल कर दिया है और अभी देखो मेरे फोन का कलर रेड से येलो हो चुका है। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको ना और भी बहुत सीक्रेट फीचर्स बताने वाला हूँ। और गाइस आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी गेम के अंदर फाइटर जेट को कैसे ले सकते हो। गाइस मैं आपको बताऊंगा और साथ ही मैं फोन के कलर को कैसे चेंज कर सकते हो और कार शोरूम के अंदर कार्स को कैसे बाई कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अभी तक हमने मेरी इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि गाइस आपको ना मेरे हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और गाइस अभी तक हमने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि गाइस वहाँ पे अगर आप मेरे को मैसेज करोगे कुछ भी डाउट अगर आपको होगा गाइस न्यू अपडेट के बारे में, या फिर गाइस कुछ भी डाउट होगा तो गाइज आप मुझसे पूछ सकते हो गेम से रिलेटेड, न्यू अपडेट से रिलेटेड गाइज पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ना 100% दे दूंगा। तो जो यार बिना देरी करे फॉलो भी कर लो और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है इंडियन बग ड्राइविंग थ्योरी से रिलेटेड तो आप जाके मेरे को मैसेज कर देना, भाई रिप्लाई तो मैं दूंगा ही। और गाइज मैंने न्यू पोस्ट भी अपलोड किए, जो यार फॉलो करके लाइक करो। और गाइज भाई वीडियो देखते हो यार लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो भाई यार, इतना बड़ा अपडेट भी आ चुका है। और गाइस सरप्राइज मैंने आपको बता दिया है और गाइस सरप्राइज तो यही है आरजीएस टूल। आप कितना वेट कर रहे थे यार, आपको नहीं पता भाई ये आरजीएस टूल को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको अच्छी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ना सारे चीट कोड्स बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस फेरारी का चीट कोड है 8811 और गाइस सुप्रा कार का चीट कोड है 2244 2244। और गाइस यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो मस्टांग जीटी कार का चीट कोड है गाइस 8321 और गाइस सुपर स्प्लेंडर का चीट कोड है गाइस 6021 और गाइस साथ में जो अपनी हीरो प्लेजर है उसका चीट कोड है गाइस 0004x0 डायल कर लेना। और इसके बाद गाइस आपको न्यू हेलीकॉप्टर का चीट कोड तो पता ही है, पुराना वाला 8000। भाई कितनी मस्त तरीके से टेक ऑफ कर रहा है, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है भाई ये न्यू हेलीकॉप्टर, आपको कैसा लगा कमेंट में को बताना जरूर। और गाइस अभी आपको ना मैं कैसे ये आरजीएस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं और इसके सीक्रेट फीचर्स क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप अभी ना वीडियो छोड़ के जा रहे हो मेरे को पता है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो उससे पहले गाइस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले और बिना लाइक करे गाइस आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जेट देख ही पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट कोड डायल किया है आरजीएस टूल में। और गाइस यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो जेट, यहाँ से गाइस वो फिर से गुजरेगा, कहाँ है भाई जेट, अभी तो यही था, ये देखो भाई ये है जेट। और गाइस सीक्रेट कोड की मदद से गाइस आप आरजीएस टूल में डायल करके आपकी आप अपनी गेम के अंदर ना जेट फाइटर जेट को स्पॉन कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को लाइक करो भाई यार, लाइक कर दो यार जो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और थोड़ा भी स्किप मत करना। तो अभी गाइस आपको ना मैं पहले जो सीक्रेट फीचर है गाइस वो बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताता हूँ कि आप, अरे यार मैं आपको बताऊँ ना अभी ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आरजीएस टूल में जाता हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिपेयर वाले ऑप्शन में, एंटर टेक्स्ट पे क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे लिखना है सेव, सेव लिखना है भाई, देखो कैपिटल एस नहीं लिखना है आपको ना स्मॉल, ये यहाँ पे देख ही पा रहे हो सेव मैंने कैसे लिखा है भाई वैसे ही लिखना। और यहाँ पे राइट कर दिया है और यहाँ पे आरजीएस टूल प्लेयर पोजीशन सेव आ रहा है। और अभी देखो भाई जो अपनी ये लोकेशन पोजीशन है ना भाई पूरी तरीके से सेव हो चुकी है, आप कहीं भी जाओ भाई एक और कोड डायल करोगे तो वहीं पे आ जाओगे, आप अभी भी समझे नहीं होगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है अपनी पोजीशन को, अभी देखो भाई मैं बहुत दूर जाता हूँ और उसके बाद देखो मैं कोड डायल करके वापिस से यहीं पे चटाक से आ जाता हूँ भाई, देखी से जाओ आप। और अभी गाइस मैं आया हूँ न्यू हाउस कन, और गाइस अभी कोई एडिटिंग भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे गाइस आपको लिखना है जब आप वहाँ पे पोजीशन सेव कर दोगे तो आप कहीं भी जाओ आपको वापस वहाँ पे जाना है,
तो आपको वहाँ पे सेफ दबाना है। पहले मैंने वहाँ पे सेफ दबा दिया था, तो अभी मैं यहाँ पे दबाऊंगा LOAD लोड। और जैसे ही मैं लोड दबा दूंगा मैं वापस से कहीं स्लेप पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो पहले प्लेयर पोजीशन सेफ आ रहा था, मगर अब प्लेयर पोजीशन लोडेड आ रहा है। तो गाइस आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको ना पूरा पूरी डिटेल में समझा देता हूँ। गाइस आप ही देखो मैं यहाँ पे हूँ, और गाइस मैं इनको ना कहीं पे और दूर जाना है। देखो मान लो मैं कार शोरूम करने जाना है, वहाँ पे थोड़े बहुत कार ड्राइव करके वापिस से अपने घर आना है, मगर बहुत जल्दी। तो गाइस आपको क्या करना है, पहले आपको अपने घर आना है ना, तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको घर का गाइस डायल करना है SEV, मतलब कि गाइस आपको जहाँ रुकना है वहाँ पे वापिस से जहाँ पे आना है। गाइस देखो गाइस मेरे को मान लो यहाँ पे हाउस का आना है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा SAVE सेफ, और गाइस राइट कर लेके गाइस मैं कार शोरूम कर जाऊँगा, और गाइस फिर के जो भी मेरा काम है कर लूँगा। और गाइस उसके बाद मैं वापस RG स्टूल में जाऊँगा और लिखूँगा गाइस LOAD लोड, और गाइस वापस से मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो गाइस मैंने अभी आपको ना ये पहला फीचर तो बता दिया, अभी बारी है गाइस सेकंड फीचर की। यहाँ पे गाइस थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो गई है मैं आपको बता रहा हूँ, मगर गाइस मैंने आपको अभी तक गेट का भी बता दिया, अभी आपको मैं फिर से बताता हूँ। तो गाइस आपको RGS टूल में जाना है। देखो भाई अरे यार ये क्या हो रहा है, तो आपको यहाँ पे गाइस RGS टूल में जाना है। यहाँ पे मैंने रिपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और गाइस यहाँ पे एंटर टेक्स्ट करता हूँ जल्दी से। गाइस मैं आपको ना रिवर्स करके दिखा रहा हूँ, मतलब कि जो पहले वाला मैंने रिकॉर्डिंग की है वही गाइस मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ना अच्छे से समझने आ जाए। भाई अभी बहुत हो गया यार, जब से डुप्लीकेट करके बता रहा हूँ, मतलब कि चुप के गाइस वही रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे आना है, और गाइस जे कैपिटल में डायल करके आपको डालना है JET, और गाइस याद रहे आप जे कैपिटल में भी डाल सकते हो और स्मॉल अल्फाबेट में भी डाल सकते हो, मगर कैपिटल में डाल लो यार। और आप जब एक बार जेट को डायल करोगे तो गाइस एक ही बार जेट स्पॉन होगा, एक ही जेट स्पॉन होगा, या फिर दो तीन स्पॉन हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन करने हैं, तो आपको 3-4 बार गाइस ऐसे ही जेट डायल करते रहना है। और अभी गाइस मैं आपको आसमान में उड़ के भी दिखाता हूँ, भाई नजदीक से जेट कैसे दिखता है वो भी दिखाई देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लिया, और गाइस अभी मैं ना जेट के पीछे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि जेट कैसा दिखता है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट फीचर्स है भाई इसमें। और गाइस आपको मैं ना आज की वीडियो में फ़ोन के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। तो ये देखो भाई जेट कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है भाई, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे लिखना है फ़ोन कॉलर लिखना है भाई, कलर नहीं लिखना है, आपको सही स्पेलिंग नहीं लिखना है। सबसे पहले तो गाइस इन सब कलरों में ना भाई ब्लैक कलर को अपन यूज़ नहीं कर सकते। जब आप ब्लैक कलर को मतलब कि यूज़ करना चाहते हो, अपने फ़ोन का कलर ब्लैक करना चाहते हो, तो भाई फ़ोन का कलर ब्लैक नहीं होगा। और गाइस मैं आपको क्या क्या होगा वो बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया तो ब्लू हो गया, ब्लैक भी नहीं होगा गाइस, और साथ में वॉयलेट और गाइस पर्पल ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने यहाँ पे स्पेलिंग को रॉन्ग डाला है, कलर की वजह गाइस मैंने यहाँ पे कॉलर डाला है। तो गाइस आपको भी ना स्पेलिंग सही नहीं डालनी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ़ोन और गाइस कॉलर लिखता हूँ भाई। अगर मैं सही स्पेलिंग लिखूँगा ना तो गाइस ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। रोहित भाई ऐसा कर चुके हैं सेटिंग्स में, तो अपने को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो मैंने ना यहाँ पे सही स्पेलिंग डाल दी है, फ़ोन कलर येलो लिखता हूँ, तो भाई देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ग्रीन का ग्रीन है। और अभी देखो गाइस मैं अभी ना स्पेलिंग को सही करके डालता हूँ फ़ोन कॉलर, और गाइस यहाँ पे मैं डालता हूँ येलो, और गाइस यहाँ पे मैंने डाल दिया, और ये देखो भाई कलर चेंज हो गया। आप समझ गए हो भाई स्पेलिंग को सही नहीं डालना है, और यू आपको नहीं डालना है। और गाइस पिंक भी वर्क कर रहा है, पिंक कलर भी अपन लोग कर सकते हैं अपने फ़ोन का। तो आपको गाइस कलर स्पेलिंग डालनी है, COLOR डालना है आपको, मैं जैसे डालता हूँ वही आपको वैसे ही डायल करना है। और गाइस अभी मैंने आपको ये बता दिया है, अभी गाइस मैं आपको ना और एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, लास्ट वाली नहीं गाइस, इसके बाद भी एक है, मगर गाइस मैं आपको ना वो आज की वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में गाइस वो वर्क नहीं कर रही। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कार शोरूम में, तो गाइस मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी कार शोरूम के अंदर कार्स को कैसे ले सकती हो। अरे भाई ये क्या ग्लिच हो गया, अरे भाई इसको इग्नोर करो। वैसे मैं अपन लोग कार की छत पे आ गए, जहाँ पे अपन लोग
कोर्ट को ट्राई करते। अरे यार ये क्या हो रहा है अपने साथ। कोई बात नहीं गाइस, इसको इग्नोर करो। अरे यार क्या कर रहा है, थोड़ी तो इज्जत रख रहे भाई। ये अपना कैरेक्टर ना ऐसे ही उछलता गिरता है, तो इसको इग्नोर करो भाई। यहाँ पे गाइस आपको लिखना है कार्स भाई, आपको मैं लिख के बताता हूँ। गाइस आपको कार शोरूम के अंदर आना है। और गाइस अभी देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं जैसे लिख रहा हूँ भाई वैसे ही लिखना। थोड़े अभी भाई लेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना। तो गाइस यहाँ पे आपको लिखना है स्मॉल में कार्स, और गाइस पेज देख के गाइस आपको लिखना है बाई। और गाइस यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। देखो यार यहाँ पे गाइस आ रहा है आरजेस टूल शोरूम कार्स बाई, मतलब ये शोरूम कार्स आने वाली है। तो ये ट्रिक जब वर्क करेगी, जब आप यहाँ पे कोड मैंने डायल कर दिया, तो आपको ना थोड़ी दूर जाना है भाई। यहाँ पे इतनी दूर बस थी, और ओके गाइस आपको थोड़ा दूर चले जाना है, वहाँ से आपको शोरूम नहीं दिखना चाहिए। तो वापस जब आओगे गाइस आपको अपनी गेम के अंदर शोरूम देखने को, शोरूम के अंदर कार देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा हूँ भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा है। तो भाई अब तक तो आपने दूसरे यूट्यूबर्स का वीडियो भी देख लिया ही होगा, और अभी बारी आती है गाइस कि आप लोग कार शोरूम के अंदर जो कार्स अभी स्पॉन हो चुकी है उनको क्या ड्राइव कर सकते हो। तो हाँ गाइस बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं, क्यों नहीं। इसलिए तो रोहित भाई ने फीचर ऐड किया है। और गाइस अभी देखो जिसको जिसका फीचर काम नहीं करा है मैं बोलता हूँ। तो गाइस आपको ना रोहित भाई जब ये करे थे ना भाई, उसके बाद उन्होंने ना न्यू अपडेट फिर से किया था रात भर बैठ के। और गाइस आप प्ले स्टोर पर जो जो दो बार अपडेट नहीं करे गाइस वो दो बार अपडेट कर लो। और गाइस गेट का चीट कोड भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो गाइस जिसने अब तक अपडेट दो बार नहीं किया है तो कर लो। जब 10 नवंबर को गाइस न्यू अपडेट आया था, उसके बाद फिर से गाइस एक न्यू अपडेट आया था। तो जो यार अभी तक आपने नहीं किया है तो न्यू अपडेट कर लो। अभी आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है दूसरी बार, तो गाइस एक बार जाओ यार 2030 डायल करके ज़ॉम्बी मोड को एक्टिवेट करो, और वापस से गाइस 2040 डायल करो, मतलब कि 2030 डायल करने के बाद गाइस चीट एक्टिवेट हो जाएगा ज़ॉम्बीज का। उसके बाद गाइस डायल करो 2040। ऐसे ही आप 2040 डायल करोगे तो आपको साइड में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि चीट ज़ॉम्बीज चीट डीएक्टिवेट ज़ॉम्बीज मोड, जो भी गाइस चीट कोड है वो डीएक्टिवेट बता देगा। तो गाइस जो आपको नहीं बता रहा है और गाइस आपको ऐसा नहीं दिखा रहा है, तो गाइस आप जो और अपडेट कर लो, या फिर गाइस आप अपनी गेम को इंस्टॉल करके इंस्टॉल करो गाइस, आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो गाइस आपको अभी पता नहीं चला है कि डीएक्टिवेट का चीट कोड भी आ गया है क्या। तो गाइस मैं आपको ना इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर गाइस कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, उसे जाके आप गाइस जरूर से देख लेना। उसमें मैंने ज़ॉम्बी का डीएक्टिवेट चीट कोड भी बता रखा है। और गाइस आपको डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है वो चीट कोड डाल कर लेने से बाद, तो आपको अपनी गेम को इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही था। और गाइस एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगा, इसको गाइस देख लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस गुड बाय।